हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इससे पहले हमने बहुत सारे जो टॉपिक थे, आपके लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी ऑपरेटर्स, ये सब हमने कवर कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी और अच्छे से डिटेल्स में भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड लाइक सेल ऑर्गेनाइज होता है, जो कि रॉड शेप्ड लाइक होता है, सेल ऑर्गेनाइज है, विच टेक पार्ट इन अ फेज ऑफ एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन में ये पार्ट करता है, जिसको कर्व साइकिल भी कहा जाता है। कर्व साइकिल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज दे कॉन्टेन एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द टोटल ऑक्सीडेशन। उनके भीतर जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जो कि टोटल ऑक्सीडेशन में काम करते हैं, फूड के ऑक्सीडेशन में काम करते हैं, एंड फॉर द रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। और उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के बाद वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। किसके फॉर्म में मिलती है? ATP के फॉर्म में मिलती हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म है ATP का। ये हमें फुल फुल एनर्जी के रूप में, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी के रूप में हमारे हमें मिलती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप लाइक सेल ऑर्गेनाइज ऑफ एरोबिक ईकैरियोटिक व्हिच टेक पार्ट इन द फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कॉल्ड कर्व साइकिल। और माइटोकॉन्ड्रिया कॉमनली नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज दे कॉन्टेन एंजाइम नेसेसरी फॉर द टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड फॉर रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP मॉलिक्यूल्स, और जो ATP जो मॉलिक्यूल्स जो हमें मिलता है, द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड एंड ATP फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड्स, जो कि न्यू केमिकल कंपाउंड्स में के रूप में ये क्या करते हैं, सिंथेसिस किया जाता है इसको स्टोर करके ऑफ ए न्यू केमिकल कंपाउंड, एंड फॉर द मैकेनिकल वर्क में इसका यूज किया जाता है। ATP इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ATP इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाई टू मेम्ब्रेन्स। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जब हम सेल ऑर्गेनाइज स्टार्ट कर रहे थे, तो आपको हमने बताया था कि जो सिंगल मेम्ब्रेन थे वो क्या क्या थे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, गॉल्गी बॉडी ऑपरेटर्स था, गॉल्गी बॉडी कहिए या गॉल्गी ऑपरेटर्स कहिए, लाइजोजोम था, और क्या था, और वैक्यूल्स था, ठीक है। और जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड था वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन कौन से होते हैं, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन लेस है वो क्या है, वो राइजोजोम है। तो इस तरह से ये यहाँ जैसे हमारा इस तरह बताया भी गया है कि इच माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल इज बाउंडेड बाई टू मेम्ब्रेन्स, दो झिल्ली से ये घिरा हुआ होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो काफी स्मूथ होता है एंड पोरस होता है, वेयर एज द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन वॉट टू फॉर्म ऑफ क्रिस्टी, जिसको क्रिस्टी के रूप में भी कहा जाता है, जो इनर मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ATP। क्रिस्टी क्या करता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए, और ATP सिंथेसिस ऑकर्स ओवर टेनिस रैकेट जैसा सेप्ट पार्टिकल्स कॉल्ड ऑक्सीजोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ठीक है। दे आर पार्शियली इम्बेडेड इन द दे आर पार्शियली इम्बेडेड इन द फॉर्म ऑफ इन एंजाइम्स। एंजाइम्स टेक पार्ट इन द रेस्पिरेशन ऑफ एंजाइम्स, जो कि रेस्पिरेशन में सहायता करता है। और DNA राइजोसोम मेक द माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का ये दोनों मिलके बनाते हैं, और एज दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता हो जाता है, एबल हो जाता है सेमी ऑटोनोमस, एज दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर ऑफ सम
सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन्स, अपना ही प्रोटीन और एंजाइम्स बनाने में ये दोनों सहायता करते हैं, कौन? डीएनए, राइजोसोम। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या हो सकता है, ये हम जैसे कि हम जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में सहायता करता है, उसके बाद हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है और इंटरमीडिएट्स का काम करता है। दे प्रोवाइड इंटरमीडिएट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स लाइक फैटी एसिड, एस्ट्रॉयड्स, अमीनो एसिड्स, क्लोरोफिल वगैरह में भी ये इंटरमीडिएट्स का काम करता है। ठीक है, चलिए भाई इसको हम लोग शुद्ध हिंदी के लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं, ताकि जो दोनों मीडियम के बच्चे हो उनको भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी ईकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में गोल एवं छड़ या धागे के समान, छड़ या धागे के समान जैसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और समान दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड से घिरी हुई रचनाएं होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसकी खोज की थी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने 1897 में। यह जीवाणु नीला हरा शैवाल में अनुपस्थित हो रहता है। पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ अनुपस्थित रहता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि यह जीवाणु नीला हरा शैवाल में यह अनुपस्थित रहता है, और स्तनपाई के मैमेलियन के आरबीसी में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मैमेलियन आरबीसीएस आर डिवॉइड ऑफ देम, तो माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो जो है, दो अभी बताया मैंने आपको कि यह जीवाणु नीला हरा शैवाल में अनुपस्थित रहता है, ये पॉइंट नोट करिएगा, और स्तनपाई के आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसकी रचना होती है दो, इसकी दो भाग होते हैं। भीतरी भाग जो होता है वो घना जेली के समान पदार्थ जो भीतरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, और बाहरी जो दोनों झिल्लियों के बीच में स्थित होता है। जो दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहा जाता है। भीतरी झिल्ली पर क्या होता है कि भीतरी भीतर की ओर अनेक उभारे होती हैं जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। जिसका आंतरिक जो सतह होता है उसका क्षेत्रफल किसके कारण बढ़ता है, इस क्रिस्टी के कारण ही बढ़ता है। और क्रिस्टी का काम क्या होता है, क्रिस्टी के भीतर सतह पर आधार, वृंत और सिर युक्त कण पाए जाते हैं जिसको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिर के भाग को रैक्स कारक फैक्टर भी कहा जाता है, और सिर के भाग को रैक्स का यानी कि रैक्सर रैकर्स फैक्टर भी कहा जाता है, सॉरी सॉरी रैकर्स फैक्टर यहाँ पर है, रैकर्स फैक्टर भी कहा जाता है जिसको F1 सब यूनिट के आधार पर, F0 सही इकाई के आधार पर या सब यूनिट के आधार पर भी कहा जाता है। ठीक है, भीतरी झिल्ली में जैसे इंजाइम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम और के साथ साथ राइबोसोम के साथ साथ 50S और 30S के साथ साथ 70S का भी होता है जिसको माइटोराइजोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोराइजोसोम भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स के गोलाकार दोहरे स्ट्रैंड से यानी कि डीएनए भी पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है जिसको डीएनए का काम क्या होता है, जैसे अभी बताया मैंने कि डीएनए और ये दोनों क्या करते हैं, सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन और एंजाइम्स के सिंथेसिस में काम करते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन एवं एटीपी का निर्माण का केंद्र स्थल है, इसीलिए इसको ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, जैसे अभी बताया मैंने। तो इस तरह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। आप डायग्राम भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक डायग्राम जैसे आप लोग को दिख रहा है, इस डायग्राम के आधार पर अच्छे समझ में आ रहा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी कहाँ है, इनर चैम्बर कहाँ है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या होता है, ग्रैनुल्स क्या होता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर के जरिए हम बहुत कुछ आसानी से भी किसी भी टॉपिक को, किसी भी पार्ट को हम अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट है हम करेंगे वैक्यूल्स और प्लास्टिड। तो प्लास्टिड, प्लास्टिड यानी कि लवक, लवक कहाँ से आया है, लवक आया है प्लास्टिड शब्द ग्रीक भाषा के प्लास्टिक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या, बनाया हुआ, बनाया हुआ। प्लास्टिक मीन्स लवक, जो हम जितने भी ग्रीन प्लांट्स देखते हैं उन सब
का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? इसी की वजह से होता है, इस प्लास्टिक की वजह से ही होता है। तो लवक क्या है कि फंगस, जीवाणु, नीला हरा शैवाल को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली से युक्त, डबल मेम्ब्रेन बाउंड से घिरी हुई छड़ नुमा और अंडाकार या गोल रचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग लवक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लास्टिड्स आर लार्ज सेल ऑर्गेनाइज, सेल ऑर्गेनाइज लार्ज सेल ऑर्गेनाइज होता है, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में ही केवल पाया जाता है, विच आर स्पेशलाइज टू सिंथेसिस, ठीक है, एंड स्टोर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। ठीक है, प्राणी कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, किंतु कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि यूग्लिना और क्रिश अमीबा और आदि में जो लवक, जो हरित लवक, जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कुछ जैसे लवक रंगीन और कुछ रंगहीन भी होते हैं। ठीक है, जो कुछ जो रंगीन और रंगहीन भी होते हैं, रंगीन होते हैं जैसे कि क्रोमोप्लास्ट में होता है, ये रंगीन लवक है। ठीक है, और जो रंगहीन होते हैं वो है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको श्वेत लवक भी कहा जाता है। तो श्वेत लवक क्या है, इनके बेसिस के आधार पर, जैसे कि इनके कलर, इनके पिगमेंट्स के आधार पर इनको मेनली टू टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके बुक में थ्री टाइप्स लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली एक्चुअल में क्या है कि जो क्रोमोप्लास्ट है उसको टू टाइप्स में बांट दिया गया है। ठीक है, एक है नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे ल्यूकोप्लास्ट क्या है। तो ल्यूकोप्लास्ट है, जिसको श्वेत लवक भी कहा जाता है, छर्नुमा गोल रंगहीन लवक को श्वेत लवक कहा जाता है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जैसे कि जड़, भूमिगत तना, युग्मक या भ्रूणीय कोशिकाओं, फलों या बीजों में ये पाया जाता है। यह भी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसमें बाहरी झिल्ली लगातार क्रम में होती है, और जो भीतरी झिल्ली होती है, कहीं कहीं मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाती है। यह नीलाकार लैमेली बनाती है, मैट्रिक्स कोलाइडल द्रव होता है, जिसमें राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, संचित खाद्य पदार्थ, स्टार्च कण, प्रोटीन, वसा की बूंदे इत्यादि होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कोलाइडल द्रव होता है, जिसमें राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, संचित खाद्य पदार्थ, प्रोटीन, वसा इस तरह से होते इत्यादि होते हैं। श्वेत लवक में थायक्लोइड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ल्यूकोप्लास्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिक्स होता है, दे आर जनरली टेक पार्ट इन ए स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स को स्टोर करने में काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट आर मोस्टली प्रेजेंट इन द स्टोरेज सेल्स लाइक रूट्स और अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स वगैरह में ये पाया जाता है। ठीक है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद आते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट में, जिसको दे आर कलर्ड प्लास्टिक, ये कलर प्लास्टिक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट आर ऑफ टू सब टाइप्स होते हैं इसके, जैसे कि एक है नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, और जिसको नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट और ग्रीन क्रोमोप्लास्ट में बांटा गया है। नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट में आर मेनली ये क्या होता है कि इसमें फोटोसिंथेटिक जो होता है वो क्रिया इसमें नहीं होती है, ये इनएक्टिव होता है। और देयर आर प्लास्टिक्स आर कलर्ड, ये कैसे कैसे प्लास्टिक होते हैं, ये दीज आर प्लास्टिक्स आर कलर्ड रेड, ऑरेंज, येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जिसको हम लोग कार्टेनॉइड्स भी कहा जाता है, उनकी प्रेजेंस के कारण ये रेड, ऑरेंज, येलो दिखते हैं, क्योंकि ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्लावर्स और फ्रूट्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, फ्लावर्स और फ्रूट्स में ये पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट को जनरली किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इसीलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस कारण होते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण होते हैं। अ क्लोरोप्लास्ट इज बाउंड बाय एन एनवेलप, टू टाइप्स, जिसको एनवेलप में ये बंद रहता है, बना हुआ रहता है, ऑफ टू मेम्ब्रेन, दो दोहरी झिल्ली से। द इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज क्लियरली मार्क्ड
इनटू अ कलरलेस मैट्रिक्स, ठीक है, कॉल्ड ए स्ट्रोमा एंड द मेम्ब्रेन्स सिस्टम आर कॉल्ड ग्रोना, जो कि क्लोरोप्लास्ट इज बाउंड बाई एन इनवलप, जिसको टू मेम्ब्रेन से इनवलप में बंद रहता है ये. द इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज क्लियरली मार्क्ड इनटू अ कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स, जिसको स्टोर्मा भी कहा जाता है, और एंड ए मेम्ब्रेनियस सिस्टम कॉल्ड जिसको ग्राना भी कहा जाता है, ठीक है. और ईच ग्रानम कंसिस्ट ऑफ ए स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंडेड फ्लैटेन, जो सैक्स होते हैं सैक्स, उसको हम लोग थैलकॉइड भी कहा जाता है, ठीक है. तो जिसमें थैलकॉइड्स में क्या होते हैं, कॉन्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रीन क्लोरोफिल एंड येलो ऑरेंज कार्टेनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं, जिसके कारण थैलकॉइड्स कॉन्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ, जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्रीन क्लोरोफिल और ऑरेंज येलो ऑरेंज कार्टेनॉइड्स पिगमेंट्स भी होते हैं. दे टेक पार्ट इन ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, ये टेक पार्ट करते हैं जिसमें सोलर एनर्जी में, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में ये काम करते हैं. स्टोर्मा कॉन्टेंस इंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और स्टोर्मा में क्या होता है, कैसा इंजाइम्स होता है जो कि फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के, उसकी फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में ये काम करता है. डीएनए आरएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं इसमें. द लेटर मैक द क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी सेमी ऑटोनोमस होता है, क्योंकि दे कैन ऑल्सो सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन्स एंड इंजाइम्स, ये खुद भी अपने प्रोटीन्स और इंजाइम्स को भी ये सिंथेसिस करने में लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी काम करता है, ठीक है. तो इस तरह से हमारा ये प्लास्टिड हो गया. उसके बाद हम लोग आते हैं वैक्यूल. वैक्यूल क्या होता है वो भी देख, क्या है वैक्यूल, होता है रसदानिया, जिसको कहा जाता है हिंदी में, जीवित कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में घिरी द्रव्य या फ्लूड जो तेल से भरी हुई होती है, तेल या गैस से भरी रचनाओं को रसधानिया कहा जाता है, ठीक है. जीवित कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में, किसी किसी बुक में नॉन साइटोप्लाज्मिक लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर नॉन लिखा था तो इरेज कर दिया. आपके बुक में साइटोप्लाज्मिक लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्मिक ही राइट आंसर होगा आई थिंक. वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक सैक्स थैली नुमा रचनाएं होती है दैट कॉन्टेन नॉन लिविंग सॉलिड और लिक्विड होते हैं उसके भीतर में. वैक्यूल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, इस तरह से बहुत सारे टाइप्स लिखा हुआ है बट मेनली थ्री टाइप्स होते हैं, सैब वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है. सैब वैक्यूल में क्या हो सकता है, इस तरह से जो राजधानियाँ होती हैं, आप देखिए टोनोप्लास्ट जिसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, एक पतली पतली झिल्ली से घिरा होता है जिसको टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है, ठीक है. दे आर कॉमन फ्लूड फील्ड वैक्यूल्स बीच ऑकर इन द बोथ प्लांट और एनिमल्स, दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं. और द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सैब वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जो मेम्ब्रेन जिस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है, यानी पतली पतली झीरा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है वैक्यूल, उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहा जाता है. और प्राणी कोशिका में जो राजधानी होता है वो प्राणी कोशिका में राजधानी नहीं होता है, यानी कि राजधानियां प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है वैक्यूल्स, लेकिन प्राणी कोशिका में, लेकिन एक एक कोशिकीय प्राणियों में हो सकता है, ठीक है, एक कोशिकीय प्राणियों में हो सकता है, जैसे कि जिनका आकार बहुत छोटा होता है. और अपरिपक्व पादप कोशिका में छोटा, लेकिन परिपक्व पादप कोशिका में ये लार्ज साइज में होते हैं, बड़े आकार में उपस्थित होते हैं. पौधों में राजधानी से भरे द्रव को सेल सैप कहा जाता है, ठीक है. देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है द फ्लूड कॉन्टेंट ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप, ठीक है. सैप वैक्यूल स्टोर सॉल्ट स्टोर करता है, शुगर स्टोर करता है, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और सम प्रोटीन्स भी ये स्टोर्स करता है. सैप वैक्यूल्स हेल्प्स टू मेंटेन टर्जिडिटी और एसिडिटी, सेल का मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है. जो सेल सैप होता है, राजधानी की उत्पत्ति कोशिका झिल्लों में गोल्गी काय और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है. इसमें स्त्रावित जो स्त्रावित पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, तेल या गैस भरे रहते हैं. सेल सैप कुछ क्षारीय होते हैं जिसमें शर्करा, लवण एवं अन्य पदार्थ भी घुले रहते हैं. इनका कार्य क्या हो सकता है, ये जल तथा लवण इनमें पदार्थ, इनका कार्य होता है, कार्य के अनुसार इनको निम्न भागों में बांटा गया, जैसे कि आपके बुक में लिखा हुआ है उत्सर्जी राजधानी,
सॉरी रसधानियां, जल रसधानियां, संकुचनशील रसधानी, इस तरह से इनको बांटा गया है, भोजन रसधानी। तो कार्य के अनुसार जिस तरह से बांटा गया है, यहाँ मेनली हम लोग थ्री टाइप्स को ही मैंने लिखा है, प्रोटोजोआ और पादप कोशिकाओं में के रसधानी में उत्सर्जी पदार्थ भरे रहते हैं। यह उत्सर्जी पदार्थ विषैले प्रभाव के द्वारा जीव द्रव्य की रक्षा करते हैं। तो उत्सर्जी रसधानियां क्या होती हैं, ये क्या करती है, प्रोटोजोआ पादप कोशिकाओं में ये रसधानी उत्सर्जी पदार्थ में भरे रहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो पदार्थ जो निकाले जाते हैं पौधों के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा, उनके भीतर ये रहते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ विषैले प्रभाव से, उनका जो विषैले जो प्रभाव इफेक्ट होता है, टॉक्सिक इफेक्ट से जीव द्रव्य की रक्षा करता है। फूड वेहिकल्स काम क्या करता है, जिसे भोजन राजधानी कहा जाता है, इसमें ठोस या तरल खाद्य पदार्थ भरे रहते हैं एवं पाचन में सहायता करते हैं। एक कोशिकीय पादप या फिर जलीय, जैसे कि जलीय एक कोशिकीय पादप या फिर जलीय जीवधारी जैसे कि पिनोसाइटिस द्वारा जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इन सम सिंगल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, और जे जो अमीबा लाइक जिसका सेल्स होता है, ऑफ हायर एनिमल्स द सेक्स कंटेनिंग इनजेस्टेड फूड, इनजेस्टेड फूड होता है ना, फूड पार्टिकल्स, फ्यूज विद द लाइजोसोम टू फॉर्म फूड वैक्यूल्स, ये फूड वैक्यूल्स की रचना करते हैं। ठीक है, संकुचनशील राजधानी किसको कहा जाता है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कोशिकीय प्रोटोजोआ या फिर पादप कोशिकाओं में यह पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल्स। तो दे ऑकर इन सम यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अमीबा हुआ, पैरामेशियम हुआ, इन सब में पाया जाता है। और इन काम क्या करता है, यह जल संतुलन या ओस्मो रेगुलेशन में भी सहायता करता है। ठीक है, निम्न वर्गीय झाड़ियों में कोशिकाओं में यह टर्गर प्रेशर उत्पन्न करता है, जिससे पौधे सीधे खड़े रह सकते हैं। इनका ये काम होता है, तो स्टोरेज का काम करता है या फिर सेलुलर वेस्टेज का काम करता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने फंक्शन में लिख रखा है। और कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल क्या करता है, द वैक्यूल्स आर स्पेशलाइज टू कलेक्ट लिक्विड फ्रॉम द सेल, स्वेल अप, राइज अप टू द सरफेस एंड द ब्रश टू रिलीज देयर कॉन्टेंट्स, ये काम करता है। तो इस तरह से वैक्यूल्स हमारा राजधानियां हो गया। उसके बाद है सेंट्रोजोम्स और राइजोजोम। तो राइजोजोम्स क्या होता है, राइजोजोम्स आर में एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, राउंडेड बॉडीज होता है, फाउंड आइदर इन फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में होते हैं, या फिर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइजोजोम राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं एंड प्रोटीन के। दे आर नॉट बाउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन, या इसमें कोई बाउंडेड, कोई मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ नहीं रहता, कोई झिल्ली नहीं रहती है। सो दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक में भी ये पाया जाता है, बट दे आर एब्सेंट इन ममेलियन आरबीसी, लेकिन यह ममेलियन आरबीसी में ये एबसेंट रहता है। ठीक है, राइजोजोम का काम क्या है, राइजोजोम का काम होता है, आर द साइट ऑफ द राइजोजोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, प्रोटीन के संश्लेषण में ये कोशिका के भीतर ये सहायता करता है। दे आर देयरफॉर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रल अपरेटर्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, सेंट्रोजोम मीन्स सेंट्रल अपरेटर्स, सेंट्रल अपरेटर्स। ये छोटे छोटे पार्ट से मैंने लिखा नहीं है आप लोगों के लिए, आपके बुक में है, आई होप सो कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, इट इज अ स्मॉल नेक्ड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स, ये एक स्मॉल होता है, नेकेड ऑर्गेनिज्म होता है, प्रेजेंट कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस के नजदीक में, नियर में प्रेजेंट रहता है, इन द सेल ऑफ एनिमल्स, एनिमल के सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, एंड सम लोअर प्लांट्स में भी ये प्रेजेंट रहता है। इट हैज ए स्नीथ सीथ ऑफ स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोस्फियर। ठीक है, इट इंक्लोजेस टू माइक्रो सिलेंडर्स कॉल्ड सेंट्रोल्स सेंट्रियोल्स, दो दो माइक्रो सिलेंडर्स पाए जाते हैं, इंक्लोज होते हैं, जो कि इनको सेंट्रियोल्स भी कहा जाता है। दे आर द टू सेंट्रियोल्स लाई एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर, ये दो जो होते हैं वो राइट एंगल एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल में रहते हैं, और इच सेंट्रियोल्स हैज नाइन ट्राइफ्लेट
ट्रिपलेट, सॉरी ट्रिपलेट जो होता है प्रेजेंट होता है ऑब्लिक एक दूसरे को पेरिफेरी में, ये ऑब्लिकली प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोजोम्स आर डिवाइडेड बिफोर डिवाइड्स बिफोर सेल डिवीजन टू फॉर्म टू सेंट्रोजोम्स। जब सेल डिवीजन होता है तो सेंट्रोजोम्स डिवाइड हो जाता है दो सेंट्रोजोम्स में, ठीक है। सेंट्रोजोम डिवाइड्स बिफोर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के डिवीजन से, सेल डिवीजन से पहले सेंट्रोजोम्स ही दो भागों में बढ़ जाता है। दे फॉर्म एस्ट्रल स्पाइंडल पोल्स, और ये स्पिंडल पोल्स की रचना करता है। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं ऑल्सो प्रोड्यूस बेसल बॉडीज एंड दैट फॉर्म सीलिया एंड फ्लैजला, ठीक है। बेसल बॉडीज जिससे बनाते हैं सीलिया और फ्लैजला। तो इस तरह से हमारा ये जो सेल था, आई होप सो कि कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को सेल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने से आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूंगी आंसर करने की। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टिश्यूज में मिलते हैं। सेल काफी बड़ा था और इसी तरह से टिश्यूज भी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो प्लीज एंड तक वीडियो को देखिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, मैंने कोशिश किया है, आई होप सो कि समझ में आए आप लोग अच्छे से। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।